नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या होगा ये बात किसी को पता नहीं है। क्या आप सोच सकते थे कि दो जानी दुश्मन अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक हो सकते हैं? लेकिन यूपी में सपा और बसपा ने गठबंधन कर ही लिया, और यूपी में सपा बसपा का गठबंधन करना ही था कि बीजेपी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और लोकसभा में 73 सीटें घटकर 5 पर आ गई। इसे ही राजनीति कहते हैं। अब हम आपको एक दिलचस्प नजारा बिहार का दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस पहले से ही कमजोर है, लेकिन समय ने ऐसी पलटी मारी कि अब बिहार में कांग्रेस लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। और ये सब हुआ है कुछ दिग्गजों के कांग्रेस में आने के संकेत से। हम आपको बता दें, पूर्व सांसद लवली आनंद कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, जो बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर वैशाली से 1993 का लोकसभा उपचुनाव जीत चुकी हैं। दूसरा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से काफी दिनों से नाराज चल रहे बीजेपी के वर्तमान सांसद कीर्ति आजाद भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कीर्ति अभी बीजेपी से अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निलंबित है, और उदय सिंह और पप्पू यादव पहले ही बीजेपी से नाराजगी मोल ले चुके हैं। कीर्ति आजाद दरभंगा से बीजेपी के टिकट पर 1999, 2009 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं, और अब चौथी बार सांसद बनने के लिए आजाद कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं उदय सिंह और पप्पू यादव ने पूर्णिया से 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और जीता भी था, लेकिन जब मोदी की पूरे देश में लहर चल रही थी, तभी 2014 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा से हार गए, और बीजेपी जेडीयू गठबंधन में ये सीट जेडीयू के हिस्से में जा रही है। इस कारण वो भी कांग्रेस में आने को लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के दो सांसदों खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर और मुंगेर से वीणा देवी के भी कांग्रेस में जाने की संभावना बन रही है, और कैसर पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनकी जीती हुई सीट मुंगेर लोकसभा सीट समझौते के अनुसार जेडीयू के कोटे में जा रही है। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस से लगातार संपर्क कर रहे हैं। पप्पू 2014 में आरजेडी के टिकट पर जीते थे, जो बाद में अपनी पार्टी बनाकर आरजेडी छोड़ चुके हैं। जो भी हो, बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को बिहार के बड़े नेताओं का साथ मिलने से एक बार फिर कांग्रेस बिहार में जीवित हो सकती है, लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है।